अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरे हुए हैं। पहली बार देख रहा हूं सर, डरा हुआ बंदा अकेला मैदान में उतरा हुआ है, और जिन्होंने डराया हुआ है वो 26 अलायंस को लेकर के चल रहे हैं। एक अकेला इन 26 चतुरकारों के ऊपर भारी पड़ रहा है। रात तक सिर्फ मोदी 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 करते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि भैया हमारी तेलंगाना कर्नाटका में सरकार है, हम वहां पे युवाओं को रोजगार देंगे। पूरे देश के तो जिम्मा आप उठा रहे हो कि पूरे देश के अंदर हम बेरोजगारी दूर करेंगे। टकाटक 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 8,500 रुपया महीना महिलाओं के खाते में आएगा। भैया ये वाली जो मशीन है टकाटक टकाटक वाली, ये 1947 से 2023 तक 24 तक क्या खराब थी? वो बेरोजगारी से ऊपर नहीं बढ़ा। हम तो नेहरू जी का भाषण सुनते थे, वो कहते हैं देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ गई, देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद राजीव गांधी जी आ गए, देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी मिटाएंगे। सोनिया गांधी जी आ गई, देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी हटाएंगे। नरसिम्हा राव जी आ गए, देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी हटाएंगे। मनमोहन सिंह जी आ गए, देश में गरीबी बहुत है, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए तो आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। भैया कौन सी गरीबी और कितना समय आपको चाहिए भारत से गरीबी मिटाने? कहते हैं बेरोजगारी बढ़ा रखी है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। सर जो पढ़ा लिखा युवा है ना, वो आज भी नौकरी कर रहा है, चाहे सरकारी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो, चाहे स्किल के माध्यम से कर रहा हो, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से कर रहा हो। लेकिन जिन्होंने रोना है ना, उन्होंने सारी जिंदगी रोना है। जिनको ये नहीं पता होगा ना कि यस में YES आता है या YOS आता है, वो सरकारी नौकरी मांग रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को अगर आप सरकारी नौकरी देते हो, टीचर बना दोगे, तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा आप बताओ? सरकारी स्कूल हमने बहुत अच्छे कर दिए, 5-स्टार स्कूल बना दिए, तो किंतन जैसे बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है। शिक्षा मंत्री उसके परिवार वालों से सोचो मिलना दूर है, एक बयान तक नहीं देना उचित समझता। तो ये है आपके सरकारी स्कूल, जिनके बेंच आपने लाखों रुपए के खरीदे हैं, RTI का खुलासा होता है, आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाते हो कि भैया क्या हुआ। मतलब जनता को गुमराह करना एक हद तक किया जा सकता है, लेकिन बेवकूफ मत बनाओ। और जो लोग आजकल इस भ्रम में फैले हुए हैं कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तानाशाही कर देंगे, मेरे भाई जो भी घर का सदस्य चाहे आपके पिताजी हो, वो पूछना कि अगर 25,000 रुपए कमाते हैं तो उनका सपना क्या है कि 25 के 50 कमाऊं या 25 से 2200 रुपए पे महीने पे आ जाऊं। हर बंदा ऊपर जाना चाहता है जब उनको लगता है 303 सीटें मेरे पास हैं और मैंने भारत के अंदर इतने काम कर दिए, तो मेरे को तो उससे भी ज्यादा ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर वो आकर के अब 400 पार का नारा देते, क्या दिक्कत है? यही भारत था, हर राज्य में बम फटते थे, सांसद तक नहीं सुरक्षित था हमारा सांसद भवन, उसके अंदर हम अमेरिका के पास जाते थे, UNO में जाते थे। और यही जब भारत ने हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब वही अमेरिका बोल रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मेरा बयान नहीं है, ये अमेरिका का बयान था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और एक बात याद रखना सर, जब कोई बड़ा आदमी बोलता है ना कि कोई बड़ा करने वाला है, तो वो कितना बड़ा होगा आपकी सोच से परे होगा, बोला ना? तो ये मोदी जी का जज्बा ही तो है, क्योंकि आपने कोई लोमड़ी नहीं बिठाई, आपने बब्बर शेर बिठा रखा है। आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का ये मजाक उड़ा रहे हैं, पापा ने वार रुकवा दी, ये कांग्रेसी मेम्स बना रहे हैं। इनसे पूछो अगर इनके पिताजी ने वार नहीं रुकवाई थी तो पाकिस्तानियों को कौन सा कीड़ा कूद रहा था जो भारत का झंडा उठा करके चल रहे थे? मैं तो एक सवाल छोटा सा करता हूँ कि अगर ये कहते हैं मोदी जी ने यूक्रेन और रूस के अंदर वार नहीं रुकवाई, वो झूठ बोलते हैं, तो पाकिस्तान को क्या हो गया था उनके छात्रों को जो भारत का झंडा कल तक जला रहे थे, आज उसको आड़ में लेकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जनता को समझदार होना पड़ेगा। अगर वो आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं ना कि हम रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, तो एक चीज बताओ, चाइना को भी पछाड़ के नंबर 1 आ गए हम आबादी के अंदर, लगभग 150 करोड़ हैं हम। क्या भारत के अंदर 50 करोड़ सरकारी नौकरियां भी हैं? मैं तो 150 करोड़ की बात ही नहीं करता। तो ये कौन से अपने बाप दादों की खजाने खोलेंगे, सरकारी एजेंसियां खड़ी करेंगे जिसके अंदर आपको ठूस ठूस के नौकरियां देंगे? केजरीवाल के समर्थक कहते हैं केजरीवाल को वो गरीबों के मसीहा हैं। कितने गरीबों को दिल्ली में इन्होंने उठा दिया। भारत के अंदर अगर 2.25 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ ही मुश्किल से होगी जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए थे, उससे ज्यादा हमारे यूपी बिहार के भाई यहां बसते हैं, उनकी फैमिलियां बसती हैं। उनका एक मेन त्योहार होता है छठ का, छठ के अंदर वो गंदी यमुना के अंदर जहरीले पानी के अंदर खड़े होकर के अपना उपवास तोड़ती हैं। क्या ये केजरीवाल को शोभा देता है? मतलब उन गरीबों का वोट लेने के लिए तो वो ठीक है,
रोहिंग्या को बसाने के लिए तुम ठीक हो, लेकिन एक यमुना जिसके लिए 3000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया, उसकी सफाई नहीं हुई आपसे। एक उसको साफ करने में आपको 10 साल लग गए, 3 बार की शपथ ग्रहण करनी पड़ गई। दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, आप लंदन पेरिस सर छोड़ो, इंदौर जैसी एक साफ सिटी बना दो। हमें नहीं चाहिए लंदन पेरिस भाई साहब, हमें एक इंदौर जैसी स्वच्छ सिटी दे दो। कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। आज जहांगीरपुरी चले जाओ, मच्छी मार्केट में तीसरा पहाड़ खड़ा हो गया सर। जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठे थे, तब आप लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल को नायक बताया। नायक बताया सर, पिक्चर से तुलना कर दी थी नायक के अनिल कपूर से। और ये अमरीश पुरी के भी बाप निकले, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। और जब अन्ना जी के साथ थे ना, तो छवि अन्ना जी की थी। और जिसको ये तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करते हैं ना, वही कांग्रेस ने अन्ना जी को उठा करके 24 घंटे के लिए तिहाड़ में डाला था। मोदी अमित शाह की सरकार नहीं थी, ये खुद 15 दिन के लिए अंदर गए थे। मोदी अमित शाह की सरकार नहीं थी, रामदेव जी को लाठियां मार मार के भगाया गया था। मोदी अमित शाह जी की सरकार नहीं थी, लालू जी जेल गए, कलमाड़ी जेल गया, करुणानिधि जेल गई। मोदी जी की सरकार नहीं थी, इन माँ बेटे के ऊपर खुद आरोप लगे, जमानत पे बाहर है। मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो ये कौन सी तानाशाह की बात करते हैं। और जो प्रधानमंत्री हमारा हजारों किसानों के आके आके हाथ जोड़ता है कि मेरे को ही समझाने में कुछ गलती हो गई होगी, जो आप मेरे भाई नहीं समझ पाए, मैं पीछे हटता हूं, वो तानाशाही करेगा। क्या बात करते हो, 300 गोलियां चला करके 1990 में 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को जिसने शहीद कर दिया, वो तानाशाही की बात करेंगे। एमरजेंसी के अंदर सबको जेलों में ठूस दिया, आप जमानत के लिए अपील नहीं कर सकते थे, वो तानाशाही की बात करेंगे। राजनाथ सिंह जी की माता जी का निर्धन हो गया, वो मुख अग्नि देने तक नहीं जा पाए, वो तानाशाह की बात करेंगे। कार सेवकों की निर्मम हत्या कर दी गई, वो तानाशाह की बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया इनके कार्यकाल में, वो तानाशाह की बात करते हैं। गौ सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, वो तानाशाह की बात करते हैं। सरबजीत की गर्दन आई थी, वो तानाशाही की बात करते हैं। भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां बम नहीं पड़ता था, वो तानाशाह की बात करते हैं। मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरी सेना को पत्थर मारे जाते थे, इनके कार्यकाल के अंदर ये चुप थे, वो तानाशाह की बात करते हैं। मेरा तिरंगा जलाया जाता था इनके कार्यकाल के अंदर, वो तानाशाह की बात करते हैं। आज मेरा अभिनंदन 24 घंटे में भारत आता है, और यह भारत का कोई नेता नहीं बोलता, वहां की संसद में खड़ा वहां का नेता बोलता है कि पैर कप कप आ रहे हैं, माथे में पसीना आ रहा है, अभिनंदन को छोड़ दो। ये सर इनके लिए गर्व की बात होना हो, मेरे जैसे युवा सच्चे हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, और मैं मोदी जी को सल्यूट करता हूं ऐसी विचारधारा। तो क्या इस बार 400 पार का जो नारा है वो पक्का है? बिल्कुल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बोल दूं कि संविधान किसी का बाप नहीं बदल सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का उद्देश्य है। अगर संविधान बदल सकता होता कोई, तो इनको संशोधन ना करना पड़ता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बाबा साहब ने नहीं दिया था।